गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि आज का वीडियो भी एक फूड चैलेंज वीडियो होने वाला है, और आज का फूड चैलेंज वीडियो है ब्लैक कलर फूड फॉर 24 आवर्स। अगर आप कंटिन्यू वॉचर हो मेरे चैनल पर तो आपको पता ही होगा कि कुछ देर पहले मैंने व्हाइट फूड चैलेंज का एक वीडियो डाला था, और इसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएशन दिया, मुझे बहुत इंकरेज किया कि बहुत डिफिकल्ट था वो टास्क करना, बट स्टिल मैंने कर दिखाया। और आप में से ही लोगों ने मुझे अगेन एक और चैलेंज दिया है जो कि है ब्लैक फूड चैलेंज। और पहले तो मैं नहीं करने वाली थी अगेन कोई दूसरा चैलेंज वीडियो, बट क्योंकि ये ब्लैक फूड चैलेंज था और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वाइट से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मैंने सोचा कि एक्सेप्ट कर लेती हूँ और वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो आज मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 10 बज गए हैं, 10 बजे से मैं मेरा रूटीन स्टार्ट करूँगी और रात तक जब मैं सुन जाऊँगी तो डिनर तक मेरा ये रूटीन स्टार्ट होगा। तो मेरे घर के बाकी सारे काम हो गए हैं, ब्रेकफास्ट एंड ऑल बना करके मैंने दे दिया है। अनिका भी स्कूल चली गई है, अनिका के पापा ऑफिस निकल गए हैं। उन दोनों लोगों के लिए मैंने पराठा बनाया था और रेड पास्ता बनाया था। मुझे बहुत लालच आ रही थी, खाने का बहुत मन कर रहा था, पर क्योंकि मैं स्टिक हूँ आज मेरे खाने के लिए और मुझे सिर्फ काले रंग का खाना खाना है, यानी ब्लैक फूड खाना है 24 आवर्स के लिए, तो मैं उस हिसाब से अपना रूटीन बनाऊंगी और कंट्रोल करूंगी कि मैं यहाँ वहाँ नहीं भटकूं। और आज का चैलेंज भी मेरा एक काइंड ऑफ फास्ट चैलेंज होने वाला है, और मुझे अभी तक तो ये फील हो रहा है कि मैं फास्ट करूँ, मैंने कोई फास्ट रखा हुआ है क्योंकि मैंने तक कुछ भी नहीं खाया है। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सो कल मैं गई थी शॉपिंग पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या स्टफ लेकर के आई हूँ जो ब्लैक कलर के हैं या फिर जिनको मैं ब्लैक कलर में क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने बिग बाज़ार में सर्च कर रही थी कि मुझे क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लैक कलर में मिल सकती हैं, ऐसे फूड जो ब्लैक कलर में मिल सकते हैं, फिर मुझे सडन ये दिखा और मैंने ये पैक उठा लिया, और मैंने देखा नहीं कि अभी इसके अंदर किस कलर का फूड है। बाहर ब्लैक लिखा हुआ है, प्योर डार्क इंडल्जेंस लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ब्लैक होना चाहिए। और देखते हैं और ओवर किया, चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो अभी मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट मैं लेने वाली हूँ और मैं खाने वाली हूँ ब्लैक कलर में ये च्यवनप्राश। बाहर से रेड दिख रहा है पर च्यवनप्राश अंदर से ब्लैक है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं पूरा ये फुल स्पून च्यवनप्राश खाने वाली हूँ क्योंकि इसे खाते ही मुझे बहुत एनर्जी आ जाएगी और काफ़ी टाइम तक मेरी बॉडी एक्टिव रहेगी। तो अभी मैं ये खाऊंगी और उसके बाद मैं मेरे लिए बनाऊंगी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक टी नहीं बना क्योंकि वो ब्लैक टी सिर्फ नाम की होती है, होती एक्चुअली वो रेड टी है। तो मैं बनाने वाली हूँ ब्लैक कॉफ़ी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, पर आज देखती हूँ कैसे बनाती हूँ और कैसे पीती हूँ। मेरा स्कड्यूल स्टार्ट हो रहा है च्यवनप्राश के साथ में। हेल्दी तो बहुत है एंड आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ वहाँ किसी भी फालतू चीज़ की जगह कुछ अच्छा हेल्दी खा रही हूँ मॉर्निंग में। ये बिल्कुल ब्लैक है, सीरियसली। वैसे तो मैंने बहुत सारी नेचुरल चीज़ें सर्च करके निकाली थी, इतने से तो काम नहीं चलने वाला। तो इसके बाद मैं बनाऊंगी कुछ अपने लिए स्नैक्स और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। च्यवनप्राश की बात, अब मैं जा रही हूँ अपने लिए बनाने ब्लैक कॉफ़ी और इसके साथ में कुछ अच्छा सा यमी सा निकाल के खाऊंगी, जिसके एटलीस्ट मेरा थोड़ा सा टमी फूल हो जाए, एनर्जी तो बहुत आ गई है बॉडी में। ये मैंने ब्लैक कॉफ़ी के लिए पानी ले लिया है, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। इसी पर मैं ब्लैक कॉफ़ी में शुगर ऐड कर दूँगी अच्छे से, जिससे कि मैं उसे पी पाऊँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1.5 स्पून शुगर कॉफ़ी, थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी ऐड करूँगी जिससे इसका एक्यूरेट ब्लैक कलर आ जाए। तो ये मैंने डाल दिया है, इसमें इसको अच्छे से बॉईल करूँगी
थोड़ा सा डार्क रेड थोड़ा सा डार्क ब्राउन दिख रहा है बट अच्छे से बॉयल होने के बाद में ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक ले लिया बट आई गेस मुझे व्हाइट में निकालना चाहिए जिससे कि प्रॉपर आपको एक्यूरेट इसका ब्लैक कलर दिखेगा। तो मैं इसे व्हाइट कप में अब सर्व करूंगी ब्लैक की जगह। तो इसके साथ मैं कुछ खाने के लिए भी निकालने वाली हूँ। लेके आई हूँ ये डार्क चॉकलेट केक। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं कहाँ बैठूँ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ये यहाँ अनिका की फेवरेट प्लेस है, आज मैं यहाँ पे बैठूँगी। यहाँ पे बैठ के मैं मेरा आपको मैंने बताया है कि मेरा ब्रेकफास्ट करूँगी मैं यहाँ पे बैठ कर। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और मैं स्टार्ट करूँगी इस ब्लैक कॉफ़ी के साथ में। ये आप देख सकते हो ना, पूरा मैंने इसे काला कर ही दिया है आखिर। I'm so sorry, अगर आप में से किसी को भी ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। आई एम अ कॉफ़ी लवर बट ब्लैक कॉफ़ी अगर मैं बात करूँ ना तो इट्स बट पीना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल काढ़े जैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं बीमार हूँ और मुझे मम्मी ने काढ़ा पिलाया है। मैं पूरा पीऊंगी नहीं तो फिर मेरे बॉडी में जो चाय एडिक्शन है ना, मुझे दिन में दो टाइम चाय चाहिए होती है मॉर्निंग में इवनिंग में, अदरवाइज मेरे को ना हेडेक होने लगता है। तो अगर मैंने ये कॉफ़ी नहीं पी तो सीरियसली मुझे बहुत हेडेक होगा, क्योंकि लास्ट लाइट फूड चैलेंज में मैंने ना दोनों टाइम पर चाय स्किप की थी, सब दूध पिया था और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था रात तक। इवन मेरी तबीयत भी खराब होने लग गई थी, बहुत वीकनेस होती ना, वीकनेस से आने लग गई थी। तो मुझे ये कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। और इसके साथ मैं ये खा रही हूँ डार्क चॉकलेट स्पॉन्ज केक। डार्क चॉकलेट स्पॉन्ज केक के साथ में ब्लैक कॉफी का टेस्ट अमेजिंग है गाइस, सीरियसली। प्लीज डोंट टॉक अबाउट मी व्हेन आई एम गॉन, ओ हनी नो आवर फ्रेंडशिप सीजेस फ्रॉम नाउ ऑन। प्लीज डोंट टॉक अबाउट मी व्हेन आई एम गॉन, ओ हनी नो आवर फ्रेंडशिप सीजेस फ्रॉम नाउ ऑन। एट द एंड आई कैन से ये कॉम्बिनेशन ब्रेकफास्ट का काफ़ी अच्छा था ब्लैक कलर फूड में। वैसे मैं ब्लैक रेजिन भी ऐड करने वाली थी मेरे ब्रेकफास्ट में, लेकिन अनिका ने कल रात में वो पैकेट आधा खाया और आधा पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा। और वैसे मैंने बहुत कुछ और भी सर्च करने की कोशिश की थी फूड्स एंड ऑल में, बट यहाँ मैं मिल नहीं पाया। मैं ट्राई करूँगी कि इवनिंग तक मुझे मिल जाए, जैसे कि मैं इवनिंग में जो फ्रूट खाती हूँ। मेरा टमाटर बिल्कुल फूल हो गया। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ लंच के टाइम पर, यानी कि जब अनिका वापस आ जाएगी तो उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ 1 बजे के आसपास। मैं अनिका के लिए लंच बनाऊंगी। काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु। तो अभी अनिका आ गई है स्कूल से वापस, उसने स्नैक्स खा लिया है और हम लोग लंच बना रहे हैं अभी। 12:30 हो गए हैं अभी। अनिका ने व्हाइट पहना, मैंने ब्लैक पहना, लुक टिपिकल व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। अनिका मेरी गोद छोड़ नहीं रही है तो अभी मैं इसके साथ में कुकिंग कर रही हूँ। और चने मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं, मैं दिखाती हूँ। मैं मसाले की प्रिपरेशन कर रही हूँ चने के लिए, काला चना बनाने के लिए। और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। Yeah.
फोन कर, फोन फोन ला, मम्मा को फोन ले, चंदना चंदना लगा लो, ए चंदना लगा, मम्मा वाला, ये देख। Oh, I'm so sorry for this messy kitchen, but क्या करूँ? जिस दिन भी मैं ऐसा व्लॉग शूट करती हूँ ना, उस दिन मेरे साथ यही होता है। अभी गर्म हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी, थोड़ी सी हींग ऐड करूंगी। और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ये पिंच ऑफ गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च लिए। मैं इसमें ऐड करूंगी ये हल्दी, मैं 1 स्पून के आसपास सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। फ्राई करूंगी, अभी 3 o'clock हो चुके हैं दिन के और अनिका को मैंने सुला दिया है। अनिका सो नहीं रही थी इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो को आगे शूट करने में। और मेरा लंच अभी बन करके रेडी हो गया है, मुझे काला चना प्रिपेयर करने में 1/2 hour लगे, वो भी मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया, तो प्रॉपर नेचुरल ब्लैक कलर देने की कोशिश करी मैंने, क्योंकि मैं कलर नहीं यूज़ करना चाह रही थी, किसी भी तरह का केमिकल नहीं यूज़ करना चाह रही थी, इसलिए मैंने नेचुरली उसे डार्क करने की कोशिश की है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे काले चने का। फ्लेम से छोड़ना पड़ेगा तो ये एकदम डार्क, तो ये एकदम डार्क सा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसका ब्लैक का कलर आ गया है। लोही कढ़ाई में जब भी हम खाना बनाते हैं तो एकदम से वो डार्क हो ही जाता है। मैं लेकर के आई हूँ ये पेप्सी का कलर बिल्कुल ब्लैक है, और पेप्सी की जगह अगर आप कोक लेते हो तो कोक का कलर भी पूरा ब्लैक आता है, तो मैंने ये ली है। और काले चने के साथ में मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ब्लैक ग्रेप जूस सर्च किया, बट जहाँ जहाँ भी मुझे ब्लैक ग्रेप जूस मिले वो अबाउट एक्सपायरी मुझे मिले, तो मैंने नहीं परचेज किया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि हेल्दी के चक्कर में कुछ ऐसा खा लूँ कि एकदम बस मेरी तबीयत खराब हो जाए। तो मैंने प्रेफर किया कि मेरे पास अभी पेप्सी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने कहा हूँ क्या मैंने इसको निकाल दिया है, और लाइट में इसका कलर थोड़ा सा रेडिश का दिखता है, बट ये रेडिश है, ये बिल्कुल ब्लैक है। ये रेडी हो गया और अब मैं इसको निकाल देती हूँ। ये रहा मेरा बाउल और इसमें मैं निकालने जा रही हूँ काला चना। मेरा नाश्ता खाना सब कुछ लेकर के आई हूँ, काला काला सब कुछ ले आई हूँ, और यही मेरा खाना है आज। लंच में तो मैंने बड़ी मेहनत करके कुछ बना लिया, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे डिनर का कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। स्नैक्स में भी मेरे पास कुछ ऑप्शन है, लेकिन अगर इसे क्रिस्प करने के पहले इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग था, बट अभी इसको मैंने थोड़ा सा जलाया है ब्लैक कलर देने के लिए, बट पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। मैंने जो लास्ट में ना एक्स्ट्रा सोया सॉस ऐड कर दिया सिर्फ इतने से चने के लिए, उससे ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, बिकॉज सोया सॉस में ना अपने आप ही थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है। इसका कॉम्बिनेशन सही है। गाइस, काला चना सिर्फ कहने को काला चना होता है, अगर आपने उसे काला बना दिया ना तो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता है। अभी तो ये खाया जाता है, मैं से थोड़ा सा और ज़्यादा एकदम बर्न वाला ब्लैक कर लेती तो शायद ही मैं इसे खा पाती। अभी एटलीस्ट मैं इसको फिनिश कर सकती हूँ।
हद वाला करवा क्या खाया जाए आ गया अच्छे 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 मम्मा वाला बच्चा आ गया अच्छा बेटू सो अनिका को तो मैंने मिल्क प्रिपेयर करके दे दिया है बॉटल में और वो तैयार है और अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था जिस दिन मुझे वीडियो अपलोड करना होता है ना उस दिन बहुत सारा काम हो जाता है ये देखते हैं क्या खाया जा सकता है मैं लेके आई थी ये ब्लैक बर्बन ये डार्क चॉकलेट बर्बन है नया लेटेस्ट लॉन्च है हाइड एंड सीक के साइड से तो मैं ये लेकर के आई हूँ और मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्टफ होता है देखते हैं कि इसका क्या कलर आता है आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट ये जो कह रहा है वो है इट इज़ व्हाट इट सेज आप देख सकते हो ये पूरा ब्लैक कलर है और इसके अंदर की क्रीम भी देखो देखा इसके अंदर की क्रीम भी डार्क चॉकलेट डार्क ब्लैक कलर में है डार्क चॉकलेट भी ब्लैक हो सकती है आई एम हैप्पी कि ये चीज़ ब्लैक है मुझे बर्बन बिस्किट तो बहुत अच्छे लगते हैं पर मैंने कभी ये डार्क वाला ये ब्लैक बर्बन नहीं खाया है और अभी मैं खाने जा रही हूँ देखती हूँ कैसा होता है बताती हूँ मैंने कि नेक्स्ट मैंने क्या ऑप्ट किया है एज अ ब्लैक कलर फूड लेकिन आप वीडियो देखते रहिएगा आप कहीं मत जाइएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा Hey guys, I'm back. शाम हो गई है 7 बज गए हैं और अनिका को भी भूख लग गई है मुझे भी बहुत भूख लग गई तो मैं अनिका के लिए बना रही हूँ ये बड़े और दाल बड़े बना रही हूँ मैं अनिका के लिए तो ये मैं अनिका के लिए बना रही हूँ और इसको मैं उसे सर्व करके मैं भी सोचती हूँ कि मैं और क्या खाऊँ और मैं बाहर जा नहीं पाई तो अभी तक का तो बस इतना ही प्लान है और आगे अगर मैं रात में कुछ ला पाई तो ठीक है अदरवाइज़ डिनर में मैं क्या बनाती हूँ मैं आपको बताऊँगी सो स्टे ट्यून विद अस मेरी हालत ऐसी हो रही है जैसे कि मैं पता नहीं कौन से गड्ढे खोद करके आ रही हूँ ओह माय गॉड ओह माय गॉड मेरी हालत कैसी हो रही है बाप रे कितनी थकी हारी लग रही हूँ मैं वेल गाइज मैंने कुछ ऑर्डर किया था ऊपर ईट से जो कि अभी आ गया है ये एक पेस्ट्री अभी से मैं खोल के देखती हूँ जैसा मैंने ऑर्डर किया था ये वैसी है या नहीं तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया गाइज हियर आई एम और मैं आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा मेरा मैसी मैसी का लुक हो रहा है मेरा बेटा भी आ गया मैं इतना टायर्ड हो चुकी हूँ मेरे घर का बहुत सारा काम पेंडिंग था जो मैंने किया है और ये रहा मेरा डिनर डिलीशियस शॉपकीपर्स ने बोला मुझे लेकिन सिंगल पेस्ट्री बहुत ज्यादा हो गई बहुत मेरे को तो अभी से इतनी हैवी लग रही है अनिका बोल बेटा इसके बाद तो मेरा दिन का जो थोड़ा सा काला चना बचा हुआ था ये भी मैं अभी खाऊंगी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है जिससे एटलीस्ट अनिका खा पाए बहुत सारी नेचुरल चीज़ें ढूंढनी थी हेल्दी चीज़ें ढूंढनी थी जिससे मैं अगर खाती ना तो मेरा ब्लैक फूड चैलेंज बहुत मस्त होता और मुझे क्या ऐसे साइड इफेक्ट भी नहीं मिलते लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीज़न ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिल नहीं रही हैं
मेरे चने फिनिश हो गए हैं, थोड़ी देर बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी और बस मेरा डिनर होगा। सो अभी मैं जा रही हूँ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक निकालने और कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। डिनर मेरा हो गया है, मैंने बताया मैंने डिनर में क्या खाया है, बस अभी ये कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। खाना पीना सारा कुछ हो चुका है, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया था मैंने, ब्रेकफास्ट ब्रंच देन लंच फिर शाम का इवनिंग स्नैक्स लिया और फिर मैंने डिनर लिया। इवनिंग स्नैक्स में मैंने सिर्फ थोड़े से बिस्किट खाए थे, अभी भी बिस्किट रखे हुए, मैं ओरियो भी लेके आई थी बट मैंने खाया नहीं। दिस इज अमेजिंग एक्चुअली गाइस। बेसिकली ना ये चैलेंज वीडियो का मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़, थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ करनी चाहिए और जब तक कुछ एडवेंचर्स करूँ नहीं तब मज़ा नहीं आता है। और मैंने ये वाइट एंड ब्लैक फूड चैलेंज करके बहुत इन्जॉय किया, कुछ नया किया मैंने और बस ये मेरा लास्ट चैलेंज वीडियो था होपफुली। इसके बाद मैं चैलेंज वीडियो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग टॉपिक हैं जिसे मुझे अभी शूट करके पोस्ट करना है। तो गाइस आप मुझे बताना कि मेरे जो भी दो लास्ट चैलेंज वीडियोस थे, वाइट फूड चैलेंज एंड ब्लैक फूड चैलेंज, आप बताना आपको कैसा लगा और मैं पास हुई या फेल हुई इन दोनों वीडियोस। तो आप मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ में बहुत सारे अभी वीडियोस लाइनअप हैं जो मैं अपडेट करती रहूँगी, बहुत सारे वीडियोज़ अभी आ चुके हैं लेटेस्ट, प्लीज़ आप उन्हें देखना मत भूलिएगा। और इसके साथ मुझे अपना सजेशन भी शेयर करिएगा, रिव्यू करिएगा ज़रूर मेरे वीडियोज़ को। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, दिस फ्राइडे हमारा गेट टुगेदर लाइव है 3 बजे यानी कि 3 PM, तो आप लोग आना मत भूलिएगा। और जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी आप ज्वाइन करने को बोलिएगा क्योंकि ये वाला लाइव हमारा ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। लास्ट लाइव टच वुड मैंने ये 5-6 लाइव किए हैं और ये सारे हिट गए हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो जाइएगा कहीं मत, देखते रहिएगा हमारे वीडियो। स्टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम। सो स्टे हैप्पी, हैप्पी मॉर्निंग व्लॉग्स, बाय बाय।